आज बना रहे हैं परांठे, तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। वो भी उबल चुकी है, अब इसे कर लेंगे ठंडा और फिर करेंगे इसे कद्दूकस। आज बना रहे हैं गोभी और धनिया चुकी है, अब इसे कर लेंगे ठंडा और फिर गोभी को कर लेंगे कद्दूकस। कद्दूकस गोभी को निचोड़ लेंगे। देखिए कितना पानी निकल रहा है। आड़ू हमारे छिलके तैयार हैं, आड़ू को मैश कर लेते हैं। देखिए ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल। गोभी भी इसमें मिक्स कर लिया हमने, अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और ये हरी मिर्च, चार हरी मिर्च कट कर लिए हमने। ये यहाँ पे लहसुन है इसमें और अदरक प्याज इसे भी डाल लेंगे। देखिए मिक्स कर लेंगे। इसमें अब डालेंगे ये एक चम्मच लाल मिर्च, चम्मच मेरी भर नहीं रही थी फुल, तो मैं इसमें थोड़ा और डाल लूँगी। एक चम्मच के करीब डाल लूँगी इसमें नमक, थोड़ा डालूंगी इसमें हींग, इसको कर लूंगी मिक्स। बनके हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम आटा लगा लेते हैं। आटा हमने लगा लिया है, अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस को कर लेंगे ऑन और फिर बनाते हैं पराठे। देखिए हमने आटा ले लिया है, इसमें डालेंगे इस पिट्ठी को। इसको कर लेंगे बंद। इसे बंद कर लेंगे, इसे बॉल्स बना लेंगे और इसमें लगाएंगे सूखा आटा बेलन की मदद से। इसे बढ़ाते जाएंगे। आप चाहो तो इसे मशीन से भी बना सकते हो, मैं यहाँ पे बेलन से ही बना रही हूँ। देखिए हमने आटा ले लिया है, इसमें डालेंगे इस पिट्ठी को। इसको कर लेंगे बंद। इसे बंद कर लेंगे, इसे बॉल्स बना लेंगे और इसमें लगाएंगे सूखा आटा बेलन की मदद से। इसे बढ़ाते जाएंगे। बेल लिया है हमने पराठे को, इसे डालेंगे तवे पे। हम इसमें मक्खन लगाएंगे। देखिए दोनों तरफ से सेक लेंगे इसे। तो मक्खन से बनाते हैं, आप चाहे ऑयल भी ले सकते हो। देखिए तो कैसी लगे आपको हमारे ये परांठे ज़रूर बताना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। तैयार है हमारा परांठा, अब इसे निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। देखिए कैसा बना है ज़रूर बताना।